आपको उम्मीद है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप उठिए, आप इनका भी कुछ ले लीजिए। बिल्कुल, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गरीब खिलाड़ी को इतना साथ दिया और उन्होंने इतना जल्दी सौ मीटर सॉल्व किया और मैं उनका तरह से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे भारतीय पुस्तक के प्रेसिडेंट गुरु कृष्ण शरण सिंह जी, जो कि हमेशा हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और हर समय मेरे साथ रहे, वो इनकी बदौलत जो हूँ आज मैं यहाँ हूँ। और इन्हीं को जैसे मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रख रहा था, जिससे इनका हमेशा मुझे हौसला मिला कि नहीं आप प्रैक्टिस करो, आप ही रियो जाओगे। तो बाकी यहाँ पे जो भी मीडिया और जनता में और हमारी भारतीय जो खेल मंत्रालय है और सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सभी ने मेरा सपोर्ट किया, सभी ने सच्चाई का साथ दिया और मुझे न्याय दिलाया। और मैं मीडिया लोग खास करके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा मेरे, कई बार सिर्फ दो पॉजिटिव किसी खिलाड़ी का आज तक किसी मीडिया ने मतलब साथ नहीं दिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे इतना आप लोगों ने उठाया कि मुझे न्याय मिला, तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों के उम्मीद मुझसे यही है कि मैं ओलंपिक मेडल लेके आऊँ और आप लोगों को इससे जब अपने कंट्री के लिए अपने मेडल जीते, इससे बड़ी और कुछ नहीं होती। हमारे वकील साहब हैं जिन्होंने जजमेंट को पढ़ा है, जिन्होंने केस किया है, आप जो धारा वारा बता दीजिए वो जरा एक मिनट। एक मिनट, ये बताइए कि किस धारा के तहत इनको ऑर्डर किया गया? एज पर द ऑर्डर अंडर आर्टिकल 10.4 ऑफ द वाडा कोड एंड द नाडा कोड, दैट इज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड एंड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कोड, नर्सिंग हैज बीन गिवन नो पनिशमेंट फॉर नो फॉल्ट और नेग्लिजेंस। There is a provision under the WADA code, so it has been classified that he has no fault or negligence, and therefore no punishment has been imposed on him for this offence. It includes 10.4. It includes the first as well as the second notice. They have taken the first as well as the second notice as the first offence, because the notice did not come to nursing till 16th of July. By that time, the second test had also been taken. So therefore, they have considered both of them as the first offence, and therefore only one. No. Sir, sorry, the tests were taken on, one was taken on the 25th of June, and the second was taken on the 5th of July. Tomar ji. That we are not aware of, whatever was that we are aware of, we have already. The way ahead is that he is clear of any charges. There is no punishment that has been imposed on him. So therefore, he can go ahead and play that game.